लड्डुओं से इशिता का मुंह क्या मीठा करवाया। इशिता के तो मन में लड्डू फूटने लगे। अजी रमन जैसा अगड़ू पति गोद में बिठाकर इशिता को लड्डू खिला रहा है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। और देखिए तो लड्डुओं की बहारे शुरू हो गया रमन और इशिता का रोमांस। सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, जो कि कोई भी काम आपको अच्छा करवाना हो या किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। और ये मेरे अति एंड अतिमवीर के घर पे हो रही है, मतलब माय बुआ जी एंड फूफा जी उनके घर में है। और रमन आए हैं यहाँ, ये सबसे स्पेशल बात है, क्योंकि वो तमिल फंक्शंस में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन बीवी को पचाने के लिए लड़के और आदमी लोग कुछ भी कर सकते हैं। जी इधर आप दाने मार रही हैं और उधर आपके खातिर पंजाबी मुंडा चेन्नई एक्सप्रेस के रंग में रंग गया है। कितने जतन कर रहे हैं रमन, और अम्मा को गोद में उठाकर वही तो लाए। हवन के धुएं के साइड इफेक्ट को भी झेला और रस्मों के नाम पर साली साहिबा के प्रैंक को भी मुस्कुराते हुए झेल रहे हैं। ऊपर से थर्ड फ्लोर से लेके नीचे तक गोदी में उठा के लाए थे, विच इज अ बिग थिंग। मतलब कोई और लड़की होती वो तो फ्लैट हो जाती कि कोई मतलब किसी का भी पति इतना सब कुछ कर रहे हैं उसके मायके वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी ईशिता है। और ईशिता और रावण कुमार एक बार में कैसे कॉर्डियल हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी भी हमारे बीच में दूरियाँ हैं, लेकिन हाँ अभी कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स अभी हमारे बीच में कुछ फीलिंग्स आने लगी हैं फाइनली। सही, लेकिन दोनों को कुछ कुछ होने लगा है। रमन ने इशिता के गजरे की तारीफ की तो इशिता ने रमन के साउथ इंडियन अवतार की। तारीफ ना करो तो तुम्हें पागल और करो तो माफी भी। बहुत अच्छा लगा उन्हें वापस से बेस्टी में देख के, क्योंकि बेस्टी और लुंगी वगैरह हमारा स्पेशलिटी है, और रमन अगर उस ड्रेस में आ रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे नाउ ही इज होम, अब फैमिली मेंबर लगते हैं। तो जी शुरुआत तो हो चुकी है, पर अब वो दिन दूर नहीं जब दोनों एक दूसरे के दिल में भी घर बना लेंगे। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक।